सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो एशिया कप 2022 में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच महामुकाबला 28 अगस्त 2022 को होने वाला है, जहां ये दोनों ही टीम ग्रुप ए में मौजूद है एक क्वालिफाइड टीम के साथ। वहीं दूसरी ओर ग्रुप बी में तीन टीमें मौजूद हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम, जहाँ एशिया कप 2022 27 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है, जिसके पहले ही मैच में यानी कि 27 अगस्त को श्रीलंका और अफगानिस्तान ये दोनों टीम आपस में भिड़ने वाली है। लेकिन उसके अगले ही दिन यानी कि 28 अगस्त 2022 को इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों टीम आपस में भिड़ेंगे, यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज जबरदस्त महामुकाबला हमें देखने को मिलने वाला है, जो कि ये ऐतिहासिक मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 बजे से यानी कि 7:30 PM से। तो वहीं पाकिस्तान समय के हिसाब से शाम को 7 बजे से यह मैच शुरू होगा। अब यह मुकाबला काफी ऐतिहासिक, काफी जबरदस्त होने वाला है, जहां ये दोनों ही टीम एशिया कप 2022 में अपना पहला मुकाबला एक दूसरे के खिलाफ ही खेलने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस महामुकाबले के लिए क्या होगी। रोहित शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम की प्लेइंग 11, टीम इंडिया के वो कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। तो एज अ ओपनर, बतौर ओपनर बल्लेबाज नंबर एक पर होंगे हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा, टीम इंडिया के जबरदस्त कप्तान और ओपनर बल्लेबाज जो करेंगे ओपनिंग की बल्लेबाजी पाकिस्तान के खिलाफ, जहां रोहित शर्मा का बतौर T20 कप्तान काफी शानदार रिकॉर्ड है। अब तक टीम इंडिया के लिए टोटल 31 T20 मैच में कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें से रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया को 26 मैचों में शानदार जीत मिली है, जबकि 5 T20 मुकाबले हारे भी हैं टीम इंडिया ने, जहां रोहित शर्मा का विनिंग परसेंटेज T20 इंटरनेशनल मैच में काफी गजब का है 83.87, जहां रोहित शर्मा का बतौर बल्लेबाज T20 फॉर्मेट में एवरेज 31 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 140 का है। तो वही नंबर 2 पर बतौर सलामी जोड़ी उतरेंगे KL राहुल, जो रोहित शर्मा का साथ निभाएंगे, जहां KL राहुल का T20 फॉर्मेट में काफी शानदार रिकॉर्ड है, जहां इनका स्ट्राइक रेट है 142 का, जबकि एवरेज है T20 फॉर्मेट में 40 का। तो रोहित और राहुल करने वाले हैं पारी की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ। बात करें नंबर 3 की, तो वन डाउन पर खेलेंगे विराट कोहली यानी कि किंग कोहली, जो कि अब तक टोटल भारत के लिए 99 T20 इंटरनेशनल मुकाबला खेल चुके हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली का ये 125 T20 मुकाबला होगा। अब भले ही विराट कोहली खराब फॉर्म में चल रहे हैं, अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो काफी शानदार, काफी लाजवाब है। इनके पीछे सभी बड़े बड़े बल्लेबाज फेल हैं। आपको बता दें कि विराट कोहली का जो T20 फॉर्मेट में एवरेज है वो अभी भी 50+ है, यानी कि 50 का औसत है, जबकि स्ट्राइक रेट भी काफी बेहतरीन है 137 का। बात करें नंबर 4 की, तो नंबर 4 पर होंगे सूर्य कुमार यादव, जो शानदार जबरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव बाउंड्री के चारों ओर स्कोर करते हैं, जहां सूर्य कुमार यादव फिलहाल 805 रेटिंग के साथ T20 फॉर्मेट में रैंकिंग में नंबर 2 पर मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम से पीछे हैं, जहां हाल फिलहाल में सूर्य कुमार यादव वन ऑफ द बेस्ट T20 बल्लेबाज बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। बात करें नंबर 5 की, तो नंबर 5 पर होंगे जबरदस्त युवा विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिनका बल्ला चला तो पूरा मैच कहीं से भी निकाल सकते हैं, फंसा हुआ मुकाबला ये जिता सकते हैं अपने दम पर, काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं। अगर हम बात करें नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर होंगे जबरदस्त वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो ना सिर्फ काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं बल्कि गेंदबाजी से भी मैच का रुख मोड़ सकते हैं। तो वही नंबर 7 पर होंगे रविंद्र जडेजा, हरफन मौला खिलाड़ी, जिनका T20 फॉर्मेट में बतौर बल्लेबाज जो एवरेज है वो है 23 का, जबकि स्ट्राइक रेट 124 का है, जबकि गेंदबाजी की बात करें तो अब तक टोटल 50 विकेट ले चुके हैं T20 फॉर्मेट में, और इनका इकोनॉमी रेट मात्र 7 का है। बात करें नंबर 8 की, तो नंबर 8 पर होंगे रविचंद्रन अश्विन, जो स्पिन बॉलिंग के साथ साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी कर सकते हैं, या फिर इनकी जगह पर दीपक हुड्डा को खिलाया जाएगा, जो कि एक बैटिंग ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो अगर भारतीय टीम को अपनी गेंदबाजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो रविचंद्रन अश्विन को खिलाएंगे, वरना फिर अगर अपनी बल्लेबाजी स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो फिर डेफिनेटली दीपक हुड्डा को खिलाएंगे, जहां दीपक हुड्डा अब तक 16 मुकाबले भारत के लिए खेल चुके हैं। और हैरान करने वाला स्टेट्स ये कि जब जब दीपक हुड्डा भारत के लिए चाहे ODI फॉर्मेट खेलो या फिर T20 फॉर्मेट, एक भी मैच अभी तक टीम इंडिया नहीं हारी है, तो आप इन्हें लकी चार्म भी कह सकते हैं। हालांकि इसके अलावा विकल्प आपके पास और है कि आप दिनेश कार्तिक को भी खिला सकते हैं, जो कि ये भी काफी शानदार हार्ड हिटिंग बल्लेबाजी करते हैं,
तो अगर अश्विन की जगह पर दीपक हुड्डा या फिर कार्तिक को खिलाया जाता है तो फिर ये थोड़ी ऊपर बल्लेबाजी करेंगे। बात करें नंबर 9 की तो नंबर 9 पर होंगे एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर भुवनेश्वर कुमार, जो जसप्रीत बुमराह की गैर मौजूदगी में भारतीय टीम के फास्ट बॉलिंग अटैक को लीड करने वाले हैं। इकलौते भारतीय गेंदबाजी में ये सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। अगर हम बात करें नंबर 10 की तो नंबर 10 पर होंगे युवा गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जो काफी शानदार स्विंग कराते हैं, यॉर्कर भी काफी शानदार फेंकते हैं, डेथ हो या फिर शुरुआती ओवर काफी शानदार गेंदबाजी कराते हैं। युवा भले ही लेकिन इनके पास काफी ज्यादा कला है। अगर हम बात करें आखिरी खिलाड़ी की तो लास्ट बट नॉट लीस्ट नंबर 11 पर होंगे जबरदस्त लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल। तो ये भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए जो 28 अगस्त को खेला जाना है, इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम कितनी स्ट्रॉन्ग कितनी मजबूत दिखाई दे रही है, क्या भारतीय टीम के ये 11 शेर पाकिस्तान को ढेर कर पाएंगे या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक करें शेयर करें।